किया है, राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन करवाने की मांग की है। 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। तो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं संसद भवन के उद्घाटन का उद्घाटन, लेकिन उसके पहले ही कई दलों और कई नेताओं ने कहा है कि राष्ट्रपति को करना चाहिए संसद नए संसद भवन का उद्घाटन, और अगर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। और नए संसद भवन का उद्घाटन जो हो रहा है उसको लेकर नई बहस आ गई है सामने और बहिष्कार का ऐलान किया गया है। जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि किन किन दलों ने इसका बहिष्कार का ऐलान किया है। सबसे पहले देखिए इस तरफ कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसकी तरफ से इसका विरोध किया गया है। तर्क यह दिया जा रहा है कि उद्घाटन तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी भी है इसमें शामिल, तृणमूल कांग्रेस उसमें शामिल है, सीपीआईएम भी इसमें शामिल है। तो ये चार प्रमुख दल हैं अभी तक, और इसके अलावा और दूसरे नेता भी हैं जो इस विरोध में शामिल हैं। तो इस तरह से नए संसद भवन के विरोध की बात कही जा रही है। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि कांग्रेस की तरफ से कब कब विरोध किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो शुरुआत में जो बजट था इसका, इसके लिए एलोकेट किया गया था, उसे खर्चीला बताया गया था कांग्रेस की तरफ से, और कहा गया था कि ये अननेसेसरी इसमें पैसा लगाया जा रहा है। और काम रुकवाने के लिए भी कोर्ट का रुख किया था कांग्रेस ने कि इस काम को रोक दिया जाए। कोरोना के समय काम रुकवाने की भी प्रयास कोशिश की गई, इसका प्रयास किया गया कांग्रेस की तरफ से। और नए संसद भवन के ऊपर लगे अशोक स्तंभ का भी विरोध किया। आपको याद होगा वो जो चार शेरों वाली जो इमेज थी उसके, उसमें बदलाव की बात कही गई थी। अशोक स्तंभ में शेर को ज्यादा आक्रामक बताया गया था, और इसको लेकर एक नई बहस पूरे देश में छेड़ दी गई कि पहले जो शेर थे वो इतने आक्रामक नजर नहीं आते थे, जानबूझकर किसी योजना के तहत उनकी इमेज